हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दही वाले आलू बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कुछ आलू बॉयल कर लें, 6-7 आलू बॉयल कर लें मीडियम साइज़ के, और उसे इस तरीके से गोल गोल कट कर लें। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो इसका टेस्ट आएगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। कच्चे आलू को डालेंगे लेकिन वो उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस अब एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इसमें आलू को डाल देंगे हम। इसे अच्छे से चला लेंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे भूने तब तक जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। आप भूनते रहेंगे ना इसे, तो आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। और जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ भी डालने के बाद ना उसे मिक्स करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे कि सारी चीज़ें जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं और टेस्ट अच्छा आए उसका। बहुत ज़्यादा भर के ना डालें ये सब, नहीं तो फिर टेस्ट का ख़राब ही हो जाएगा टेस्ट उसका। इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो अब देख रहे ना इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, बट इसे हम थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, बहुत थोड़ा सा। और इसका फ्लेम ना अब हम एकदम लो कर देंगे, इसे भूनने देंगे जिससे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तब तक एक बोल में हम 4-5 चम्मच दही ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे, 1/4 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा डाल दें, उससे कलर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। अब बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें, जिससे कि हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आलू एकदम बढ़िया से जैसा हमें चाहिए था एकदम वैसा ही ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल कर रख लिया है, और सेम कढ़ाई में जिसमें हमने आलू को फ्राई किया उसमें फिर से 2 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जब कलर इसका हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद इसमें 2 हरी मिर्ची लंबी लंबी काट कर डाल दें। उसके बाद इसमें प्याज डाल दें, 2 प्याज लिया है मैंने, इसे बहुत ही बारीक कट कर लिया है और इसे मैंने यूज़ किया है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करें। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ मैंने नहीं किया है इसमें। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। और अब हमें इसे फ्राई करना है ज़्यादा देर तक, मतलब तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये जो प्याज है ना, ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। प्याज को आप लो फ्लेम पे भूनें, इससे जो प्याज है वो अच्छे से एकदम अच्छा फ्राई होता है, बहुत अच्छा फ्राई होता है, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस हमें प्याज को भूनने में ही अब सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि और किसी चीज़ में अब हमें मेहनत नहीं करनी है। तो बस इसे भूनते जाएं। थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे ना इसका कलर हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मैंने इसमें कोई भी मसाला अभी कुछ भी नहीं डाला है। अभी हमें इसे और भूनना है थोड़ी देर तक, क्योंकि इसका कलर अभी हमें थोड़ा और चेंज करना है। तो अब आप देख रहे हैं ना, अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जो हमने दही वाला मसाला बनाकर तैयार किया ना, वही डालना है हमें इसमें। लेकिन कैसे डालना है, जब आप प्याज को भून लेना तो गैस का फ्लेम बंद कर दें, प्याज को ठंडा हो जाने दें, उसके बाद दही को डालें। दही को डालने के बाद इसे मिक्स कर लें अच्छे से, और जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेना तब गैस का फ्लेम ऑन करें और तब कढ़ाई उस पर रखें। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम ऑन। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, क्योंकि मैंने दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाँ,
हाँ, गैस का फ्लेम बंद करने के लिए मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप गर्मा गर्म प्याज व्याज में ना दही डाल देंगे तो वो जो दही है वो फट जाएगा। तो बस अब ये मिक्स हो चुका है, इसे कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। आपको इसकी ग्रेवी जितनी रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। मिक्स करने से पानी को का बॉयल होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं जितना ज़्यादा या जितना कम आप खाते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब पानी अपने हिसाब से है जितना चाहिए मुझे। तो उसके बाद अब इसमें हम आलू डाल देंगे जिसे हमने फ्राई किया था। हाँ, यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है क्योंकि ग्रेवी जो है वो ऐसी ही चाहिए मुझे। और बस अब सब्जी बिल्कुल लगभग बनकर तैयार है। तो अब क्या करें, गैस का फ्लेम लो कर दें, नहीं तो जितना पानी आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप हाई रखेंगे। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और कवर करके रखें और गैस का फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ग्रेवी भी तैयार है और जो हमने आलू डाला है वो तो पहले से ही बॉयल्ड है। तो बस अब आपकी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। दही वाले आलू बिल्कुल एकदम परफेक्ट आलू हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, पूड़ी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।